अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हम किस तरह से एक गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अकाउंट बनाना सीखा था, फाइवर पे हम सेलर बने थे कि हम सेलर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे, एंड देन हमने एक अच्छी डिस्क्रिप्शन ऐड की थी, ऐसे ही था ना। उसके बाद आज की जो हमारी वीडियो है वो है हम किस तरह से फाइवर पर न्यू गिग क्रिएट कर सकते हैं। ये जो पेज मेरे पास ओपन है ये है आपके पास आपका प्रोफाइल पेज, ठीक है। मैंने जस्ट सिंपल क्या किया, जैसे ही लॉग इन हुई मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड प्रोफाइल पे आ गई, ठीक है। ये वो पेज मेरे पास ओपन है। अब यहाँ पे आप देखें इसमें क्या है, इसमें एक आपके पास टैब शो हो रहा है कि क्रिएट अ न्यू गिग। लेकिन रुकें, यहाँ पे आपने क्लिक करने से पहले ये सोचना है कि जब आप अपनी सर्विसेज देंगे, गिग बेसिकली क्या होती है, ये आपकी जो आपको सर्विस आती है, जो आपकी स्किल होती है उसके रिलेटेड जो आप सर्विस देते हैं वो होती है, ठीक है। तो आप सोचें, आप जब इस बटन पे क्लिक करेंगे आप सोचिए आपके पास कौन सी ऐसी प्रोफेशनल स्किल है जिसके ऊपर आपकी फुल कमांड है, क्योंकि जो आपका क्लाइंट होता है वो आपको किसी भी तरह का ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। और आप हमेशा उसी से स्टार्ट कीजिएगा जिसमें आप बिल्कुल प्रोफेशनल हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होगा कि हम तो किसी चीज में भी प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको अभी अपनी स्किल्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए मैं आसान सा आज एक लेके आई हूँ। उनको स्किल देखें, अभी मैं आपको विद इन 5 मिनट आपको एक स्किल सिखाने वाली हूँ जिसमें आप बिल्कुल 100% प्रोफेशनल होगे, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपने सिंपल न्यू टैब पे जाना है। देखिए मैंने अभी क्रिएट न्यू गिग के ऊपर क्लिक नहीं किया क्योंकि आप एक बिगनर हैं, आपको नहीं पता कि आप किस चीज की सर्विस देना चाहते हैं, ऐसे ही है ना। तो अब आपके पास कोई स्किल नहीं है, यहाँ पे ये चीज है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल न्यू टैब ओपन करना है। इस न्यू टैब पे आपने यहाँ पे आके लिखना है कि रिमूव बीजी, जस्ट रिमूव बीजी आपने लिखना है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट लिंक होगा आपने इसको ओपन कर लेना है। ये मैं आपको स्किल सिखा रही हूं जिसके पास कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है। अब आपने सिंपल यहां पे क्या करना है, कोई भी इमेज आपने यहां से उठानी है, इंटरनेट से नेक्स्ट ऐप मैंने ओपन किया, ठीक है। अब यहां से हम कोई भी इमेज ले रहे हैं, मैं आपके सामने कोई भी एक इमेज रख रही हूं, इमेज ठीक है। देखिए मैंने जस्ट इमेज लिखा और मैं इमेजेस में गई क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको दिखाना है कि हम किस तरह से कोई बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं किसी भी इमेज का, तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ये मुझे अच्छी लग रही है, मैं इसको ले रही हूँ। यहां से मैंने इसको सेव कर लिया, ये मैं अपने पीसी में इसका सेव कर रही हूँ आपके सामने। तो हम इसको बाहर रख लेते हैं। अच्छा जी, जब मैंने इसको सेव कर लिया अपने पीसी में, अब ये मेरे पास देखे नीचे डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है, ये डाउनलोड हो चुकी है। अब आ जाए यहाँ पे, ये आपका विद इन कहते हैं कि 30 सेकंड में आप कौन सी स्किल सीख सकते हैं, ये वो काम है। अब आपने सिंपल यहाँ पे अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। अभी हमने क्या काम किया है, हमने एक इमेज सेव की थी, हम उसको उठा रहे हैं, क्विक एक्सेस में चले जाते हैं, वहां पे ऊपर ही पड़ी होती है, ठीक है। तो ये देखें, ये वाली इमेज थी जो अभी डाउनलोड हुई, मैंने इसको क्लिक किया। अब देखिएगा ये किस तरह से ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया। हियर यू कैन सी, कांग्रेचुलेशंस, आपको एक स्किल आ चुकी है, ठीक है। अब ये कौन सी स्किल है, बैकग्राउंड रिमूवल की, डाउनलोड करें इसको, ये लें, ये आपकी एक ओरिजिनल इमेज थी। मैं आपको दोनों इमेजेस ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपकी थी जी ओरिजिनल इमेज, ओपन होने दें इसे, देन आप देखिएगा। और ये जो आपके पास इमेज थी, दोनों इमेजेस ओपन होंगी, देन मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें, ये आपके पास इमेज ओपन हुई, ये कौन सी थी, ओरिजिनल इमेज, और ये वो इमेज है जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है। आप लोग देख सकते हैं कितना इजीली हमने ये काम किया। अब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपके पास कोई स्किल नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस सर्विस को आपने फाइवर पे किस तरह से देना है, गॉट इट। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपको एक स्किल आ चुकी है। अब मैं देखती हूँ कि क्या फाइवर इसकी सर्विसेज दे रहा है, हमने उसके लिए क्या करना था, फाइंड सर्विस पे जाना है। ये सब काम आपने गिग बनाने से पहले करने हैं, बैकग्राउंड रिमूव फ्रॉम इमेज। देखें हेयर यू कैन सी 28,257 सर्विसेज लोग इसमें दे रहे हैं, और सिंपल ये काम करके जो मैंने आपको अभी सिखाई है। देखें ये इसका पीछे बैकग्राउंड था, यहां से इसे रिमूव करके सामने पिक शो करवाई हुई है। अब ये कैसे देने हैं सब मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखते हैं कि कितने कितने काम इस पे आ चुके हैं। ओ माय गॉड, देखे एक बंदा इस पे 524 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, 524। इस पे देखें कि ये बैकग्राउंड वो कहता है आई विल रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, मैं जस्ट 2 घंटे में, हालांकि ये काम हमने कितने मिनट में किया, विद इन 10 सेकेंड्स में।
तो वो बंदा क्या कह रहा है, मैं आपको 2 घंटे में करके दूंगा बैकग्राउंड रिमूव, ताकि जो आपका क्लाइंट है उसको ये ना लगे कि ये कोई फेक चीज यूज कर रहा है या फिर ये कोई ऑनलाइन चीज यूज कर रहा है। टाइम आप हमेशा ज्यादा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये भी सेम यही काम है, वो कह रहा है कि मैं आपका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा, 10 इमेजेस $5 में दूंगा आपको, 50 इमेजेस $20 में दूंगा। अगर आप देखिए 50 इमेजेस आपके विद इन 1 आवर हो सकता है ये काम, तो कितना इजीली आप इस पे दे सकते हैं। और ये बंदा कितने ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं अब तक, 334, ग्रेट, ठीक है। और ये लेवल 2 सेलर है। उसके बाद ये क्या है, 519, 524, देखिए इसका काम कितना ज्यादा आ रहा है, तो आप इसमें रैंक कर सकते हैं। ये देखें कितने कितने ऑर्डर अब तक इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये न्यू सेलर है आपकी तरह, इसने अभी जस्ट 1 ऑर्डर कंप्लीट किया, इसने भी 1 ऑर्डर कंप्लीट किया, इसने जस्ट 2 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, तो आप लोग भी इस पे कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब आपको आ गई जी एक स्किल। और दूसरी बात, अगर आपको लगे कि ये जो फोटो एडिटिंग का काम होता है, ये जो सारा फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर होता है उस पे होता है, नो, ऐसा कोई सीन नहीं है। लोग बहुत सारी डिफरेंट चीजें यूज करके भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको फोटोशॉप के थ्रू अपना बैकग्राउंड रिमूव करने की, अगर आपको नहीं चलाना आता। आप सिंपल जाएं, अपनी इमेज डाउनलोड करें, रिमूव बीजी लिखें गूगल पे जाके, और उस पे आप अपनी इमेज अपलोड करें, देन डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को दे दें। सिंपल स्किल है, आपको आ चुकी है। चलें जी, अब हम चलते हैं अपना गिग की तरफ। ये हो गया आपको काम, आ गया। अब आपने क्या करना है, फिर अगेन गिग बनाने से पहले आपने इसको ओपन कर लेना है, जो लोग ये सर्विसेज दे रही हैं, ठीक है। ये जी काम करने का कुछ क्राइटेरिया अपना बनाएं कि ये हमारी कंस्ट्रेंट्स होंगी, हमने इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने ये काम करने है। देखिए मैंने क्या किया, जो रैंक कर रही थी, रैंक कौन सी करती होती है, जो हमेशा फर्स्ट पेज पे और फर्स्ट फर्स्ट शो हो रही होती है, ये मतलब कि इनकी जो गिग्स हैं वो रैंक हो रही है। तो मैंने क्या किया, आप देखिए, मैंने ये जो फर्स्ट 4 थी, मैंने इनको ओपन कर लिया, ठीक है। नीचे से भी जाके एक ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि जाहिर है हमने किसी का तो डेटा कॉपीराइट नहीं करना, ऐसी है ना, वरना कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। आपने किसी का भी डाटा नहीं उठा के लिखना, आपने जस्ट उनको चेक करना है, देखना है कि वो क्या क्या लिख रहे हैं और आपने क्या लिखना है, ठीक है। अब फर्स्ट वाली जब ओपन की, देखें ये होती है एक गिग। उसने क्या किया, उसने कैटेगरी सेलेक्ट की ग्राफिक डिजाइनिंग एंड फोटो एडिटिंग, ठीक है, फोटोशॉप एडिटिंग की उसने की। और उसके बाद उसने जो अपनी गिग में सर्विसेज लिखी हुई हैं वो ये हैं। उसने कहा मैं 10 इमेजेस आपको $5 में करके दूंगा, क्योंकि आपने देखा कि सिंपल काम है, बहुत आसानी से हो गया, और $5 में करके देगा, एक दिन की डिलीवरी दे रहा है वो। तो उसके बाद स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड ऑफर है वो $10 में देगा 20 इमेजेस, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम है, इसमें वो $50 में देगा 100 इमेजेस, जो कि इजिली आप कर सकते हो, ठीक है। उसने उसका टाइम कितना ले लिया अपने क्लाइंट से, 2 दिन का। अब देखें, अगर मैं एक क्लाइंट हूं, मुझे ऑर्डर चाहिए जिसमें मुझे ये चाहिए कि मेरा जो काम है वो मुझे बैकग्राउंड इमेजेस रिमूव करनी है, 100 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं किसी ऐसे क्लाइंट को ढूंढूंगी जिसके पास एग्जैक्ट ये सर्विस हो। जैसे ही मैं इसका ओपन करूंगी, मैं कहूंगी जबरदस्त, ये तो मतलब बहुत कम पैसों में मुझे इतना करके दे रहा है, तो मैं इजीली उसको दे दूंगी, अगर मुझे ये काम नहीं आता होगा, ठीक है। बहुत सारे बाहर के इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं आपको मिलेंगे जिनको ये काम नहीं आते, और ये बहुत इजी काम है, आप इजीली कर सकते हैं। ये इसकी सर्विसेज हैं, ये उसकी उसने अपनी इमेज डाली हुई है, जैसे हमने एक यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाते हैं वैसे ही इसका भी एक थंबनेल होता है, ठीक है, आपकी गिग का। ये भी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। उसके बाद अबाउट द गिग, उसने अपनी गिग के बारे में लिखा, कितनी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है बस। नेक्स्ट आ जाए, ये आपकी प्रोफाइल नीचे शो हो रही होगी बस, और ये आपके पैकेजेस हैं जो साइड पे शो हो रहे हैं और ये यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि आपने अब किस तरह से अपनी गिग बनानी है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। आई विल रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज प्रोफेशनली इन 2 आवर, वो कहता है कि मैं 2 घंटे में आपका जो बैकग्राउंड है वो प्रोफेशनल वे में कर दूंगा। अब मेरे ख्याल से आप लोग भी प्रोफेशनल हो चुके हैं इस चीज में, ठीक है, तो आप लोग इजीली ये काम कर सकते हैं। बेशक आपका भी इसमें बिल्कुल भी माइंड नहीं है कि हम फोटो एडिटिंग का काम करें, कुछ भी करें, एक दफा अगर आपकी प्रोफाइल चल पड़े फिर बेशक आप इस काम को खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। देखें ये 524 ऑर्डर अब तक कंप्लीट कर चुका है और लेवल 1 सेलर है, आप ये देख लें। और इसकी रेटिंग भी पूरी है, क्लाइंट इससे बहुत ज्यादा खुश है, इसको 5 के 5 स्टार दिए हुए हैं। ये भी सेम यही काम कर रहे हैं कि 5 फोटोज को $5 में दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड देखते हैं इसका, 18 फोटोज $15 में दे रहे हैं। देखिए हर बंदे की अपनी सर्विस है, आप अपने अकॉर्डिंग काम दे सकते हैं, लेकिन मेरा आपको यही मशवरा है कि आप क्या कीजिएगा, आप सिंपल $5 से स्टार्ट कीजिएगा और $5 से स्टार्ट करके $25 तक एंड करें, ठीक है, स्टार्टिंग में। जब आप लेवल 1 सेलर बन जाते हैं, लेवल 1 सेलर का मतलब होता है कि आपने एट अ टाइम $400 अर्न किए हों और आपके 10 ऑर्डर कम्प्लीट हों,
देन इसका मतलब है कि आप लेवल वन सेलर बन जाते हो। तो जब तक आप लेवल वन सेलर नहीं बनते, अपने आप जो आपकी प्राइसेज है उनको लो रखें ताकि क्लाइंट आपकी तरफ आए और आपको ऑर्डर दे, ठीक है। एक दफा जब आपकी प्रोफाइल चल पड़ती है, देन आप बेशक जैसे मर्जी एडिटिंग करेंगे, क्लाइंट आपको मानेगा कि भाई ये लेवल वन सेलर है, मुझे इससे लाजमी काम करवाना है। इसी तरह देखें, उसने अपना जो गिग के बारे में बहुत थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई थी, इसने देखें इसने कितना सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आप यहां से भी आइडिया ले सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। चले जी, ये हो गया आपका डिफरेंट आइडियाज कि आप किस तरह से देंगे। इसी तरह इसका है, वो कहता है कि मैं अपना एडिटिंग करूंगा, रिमूव करूंगा बैकग्राउंड। यहां से आप देखते जाएंगे सिंपल और आप करते जाएंगे अपना काम, ठीक है। ये डिफरेंट मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। चले अब हम चलते हैं अपनी गिग की तरफ, बैक करें इसे। अब आप देखिएगा मैं कितनी इजीली यहाँ पे गिग बनाने लगी हूँ, क्रिएट अ न्यू गिग। क्योंकि देखिए मैंने अपनी सर्विस के ऊपर लिखा हुआ था राइटर भी हूँ, फोटो एडिटर भी हूँ और कंटेंट राइटर भी हूँ। तो अब मैं कौन सी सर्विस पहले देने वाली हूँ? मैं फोटो एडिटर वाली सर्विस पहले देने वाली हूँ, क्योंकि जिसके पास कोई स्किल नहीं होता अगर वो इससे स्टार्ट करेगा तो उसका डेफिनेटली काम चलेगा, ठीक। ये थी आपकी वीडियो का पार्ट वन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से गिग क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब आपको प्रोफेशनल स्किल आ चुकी है, अब आप इजीली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और ये स्किल फाइवर पे बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट गिग बनाना सिखाऊंगी, ईच एंड एवरी स्टेप आपके सामने करूंगी। इससे क्या होगा, इससे आप एक प्रोफेशनल गिग बना सकते हैं जो कि तमाम उसके आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से अपनी गिग को रैंक करवाएंगे, हम किस तरह से अपने गिग के कीवर्ड अच्छे लिखेंगे, जिससे आपका जो काम है वो आपके क्लाइंट के सामने अपीयर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।